एक्वास्टार नहीं है क्या? कर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपको स्वागत है। मैं हूँ जेबो भी। अभी इस वक्त हम खड़े हैं पात्रापुर महावीर नगर में, और देखिए ये बस स्टैंड है। ये एक टाइम पे जो है बस स्टैंड हुआ करता था, अभी उसको तोड़ दिया गया, और उसके बगल से देखिए एक वॉल भी गया हुआ है, और उसी के साथ में देखिए एक कलवर्ट बस स्टैंड के साथ ही, देखिए बस स्टैंड के साथ ही एक बिल्डिंग यहाँ पे खड़ा हुआ है जो कि इल्लीगल है, लोगों ने बताया। और यहाँ पे जो यहाँ के जो काउंसलर थे वो भी इसके इस बिल्डिंग को लेकर जो है म्यूनसिपल सेक्रेटरी को जो है कंप्लेंट भी की थी। उसके बाद में म्यूनसिपल द्वारा जो है यहाँ पे नोटिस भी चिपकाया गया था, परंतु अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है। देखेंगे तो आप, देखिए ये गवर्नमेंट का है ये वॉल, देखिए बस स्टैंड के साथ में सटा के बना है। देखिए बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड के साथ में सटा के बना है, और ये जो गवर्नमेंट का रिटेनिंग वॉल है उसी के साथ में इसको अटैच करके बनाया हुआ है। देखिए और यहाँ पे देखिए म्यूनसिपल द्वारा यहाँ पे नोटिस भी जारी किया था। 27 जनवरी को जो है ये नोटिस इशू किया गया था, ये बिल्डिंग वायलेशन है करके जो है। टाइमिंग भी दिया हुआ है 27 को 11 बजे जो है ये नोटिस को यहाँ पे चिपकाया गया है 27 को, और इसके बाद में यहाँ पे काम चल रहा है, अभी भी काम चल रहा है और काम रुके नहीं है। नोटिस चिपकाने के बाद भी बावजूद आज भी यहाँ पे काम चल रहा है। ये जो मालिक है इनको कोई लेना देना नहीं है, किसी से फिकर नहीं है, किसी से डर नहीं है, खुले हम काम करता है। लोगों का हमेशा हम लोग से एक शिकायत रहता था कि आप लोग खाली जो है गरीबों के वहाँ पे इंक्रोचमेंट में जाते हैं, अमीरों को आप लोग देखते नहीं है। हमारे लिए अमीर हो गरीब हो सब एक जैसे ही है, और जो भी गलत करता है तो 100% न्यूज़ आप तक आपके पास में आपके साथ में खड़ा रहेगा, अगर वाकई में आपका न्यूज़ अगर सही है तो। एक बिल्डिंग किसका है? मलिक का नाम पता नहीं है। कौन काम करवाते हैं? अजय काम करवाता है। आप लोग काम क्या करते हैं अभी? अभी तो बंद है इधर। अभी काम बंद हो गया, तो इससे पहले काम चलता था? हाँ पहले से। क्या काम चलता है अभी? अभी क्या काम चलता है? अभी तो इधर काम नहीं चलता, अभी इधर नहीं काम चलता, अभी इधर नहीं काम चलता, इधर काम नहीं चलता। ऊपर काम चलता है? ऊपर भी नहीं है, ऊपर तो काम सब बंद। 4 बजे खत्म कर दिया काम? काम अब दूसरा साइड जाता है, अभी दूसरा साइड में काम पे जाता, दूसरा साइड में काम जाता। फिर आप लोग यहाँ क्या करते हैं? इधर रहता है। कहाँ पे रहते हैं? ऊपर में रहते हैं। तो आज क्या टाइल्स का काम हुआ? नहीं टाइल्स है ऐसे। कल का टाइल्स का काम हुआ था? कल भी नहीं हुआ टाइल्स का काम। कल ईटा जोड़ेगी ये? नहीं कुछ भी नहीं, इधर काम भी नहीं चलता। काम ही नहीं चलता? नहीं इधर बंद हो गया की प्रॉब्लम के वजह से। क्या प्रॉब्लम? वो तो पता नहीं है। देखिए काम चल रहा था, अभी इन लोग बोल रहे हैं कि अच्छा से सिखा के रखे हैं। ये देखिए यहाँ पे टाइल्स वगैरह सारे कुछ आ चुके हैं और काम रुका नहीं है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि काम नहीं रुका है, ये काम चल ही रहा है, और नोटिस का कोई परवाह नहीं है। म्यूनसिपल द्वारा जो है इनको नोटिस इशू कर दिया है, परंतु इनको कोई भी डर नहीं है, किसी से डर नहीं है, और काम किया जा रहा है। ये देखिए एक घर नहीं है भैया जी, अभी हम ये डालेंगे तो बहुत सारे घर वाले आगे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अंडमान में इस तरह इल्लीगल बहुत जगह पे काम चल रहा है, ये हमें भी पता है, मगर हम लोग वेट करते हैं कि कोई हमें कंप्लेंट कर दे, उसके बाद में हम लोग पहुंचेंगे वहाँ पे। आज के प्लास्टर, आज के प्लास्टर हो चाहिए कोता है, दिखाओ आउटसाइड तो दिखाइए ना काम पे आज काम। देखिए भैया काम हुआ है आज, यहाँ काम हुआ, ये इधर काम हुआ। कितना लेबर लोग किया? कितना लेबर लोग काम किए? 2 लेबर 1 मिस्त्री। तो देखिए बोला काम नहीं हुआ, चुपेगा नहीं भैया, निकलेगा कहीं ना कहीं से, झूठ कितना देर रुकेंगे टिकेंगे वो सोचने वाली बात है। तो आखिरकार कितना दिन से काम चलता है? कितना दिन हो गए से এখানে কাজ এমনি বন্ধ ছিল, মানে ওই পেপার দিয়ে গিয়েছিল এখানে, দিয়ে যাওয়ার পরে এমনি কাজ বন্ধ ছিল। আজকে হয়েছে? আজকের ইস্যু তো হয়েছে, শুরু হয়েছে কালকে। কালকে বন্ধ ছিল? এ কালকে হই না, হয় নি দাদা, কাজ হয় নি এখানে। আজকে হয়েছে? আজকের ইস্যু তো হয়েছে। ये देखिए यहाँ पे आज काम हुआ है, वो भी दिखा देते, कोई परवाह नहीं है इनको।
लेबर है बेचारे हैं। ये देखिए आप, ये आज का काम है, ये कोई परवाह नहीं है इनको, नोटिस का कोई असर नहीं है, बोले कि काम नहीं हुआ। देखिए आखिरकार निकल के आया कि काम हुआ है। आप कब आया अंडमान? हाँ अंडमान कब आया? एक साल हो गया, दूसरा साइड में काम कर रहे हैं ना। कौन लेके आया आपको? ओ, हमारा गुरु है, 17 आदमी पहले था, सोलजारी में काम किया था। कलकत्ता में कहाँ पे? कलकत्ता में सुंदरबन। सुंदरबन आई कार्ड है? आई कार्ड तो अभी नहीं, आधार कार्ड है। आधार कार्ड है कहाँ का? मेरा भाई को। किधर का है आधार कार्ड? रूम में। देखिए खास करके भैया जी, अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जितने भी लेबर्स भी है मैक्सिमम मिल जाएंगे कलकत्ता के, और ये सबको लाते हैं यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स, और कुछ दिन बाद में आप 10 साल बाद में उनको देखेंगे तो कहीं ना कहीं एंक्रोचमेंट करके बैठा होगा, और यहाँ पे थोड़ा दिन बाद में ऑटो चलाता हुआ आपको दिखाई देंगे, नहीं तो कुछ और चलाता हुआ, नहीं तो कुछ अपना खुद का बिजनेस करके यहाँ पर आ जाते हैं। इल्लीगल को बढ़ावा आप ही लोग देते हैं, खास करके कॉन्ट्रैक्टर्स लोग। भैया ये बताइए, आप यहाँ का लोकल है जी? यहाँ पे काम चलता है डेली? काम चलता है, डेली चलता है, जो भी है काम तो चलता ही है। मैं तो सुबह 5:30 बजे मैं अपना म्यूनसिपल का काम करने जाता हूँ, तो काम देखता हूँ, काम चलता ही है, डेली काम चलता है, काम चलता है। यहाँ पे नोटिस चिपकाया गया था 27 को, मैं देखा था, लेकिन अब ये फट चुका है जी। उतना तो मुझे बावजूद भी काम कर रहे, काम चल रहा है, और पहले तो स्टैंड भी टूटा था, बहुत बड़ा केस भी हुआ था, फिर इन लोग अपना खर्चा से लगता है। देखिए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज करके बनाया है, फिर बाद में जब बहुत बड़ा कंप्लेंट हुआ तो फिर इन लोग अपना बोले नहीं हम लोग बना के देंगे, फिर बनाए हैं ऐसा लग रहा है, अभी तो ठीक दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये क्या है कि बहुत ज़्यादा ही हमें भीड़ भाड़ है, जो हमारे बच्चे लोग जैसा घूमते हैं ना, तो यहाँ पे रात में देखने मिलता है। आप लोग बहुत जल्दी आ गए, आप लेट से आते तो आप लोग को वो भी चीज़ देखने मिलता है। क्या क्या होता है इसमें? अब इन लोग तो यहाँ पे रहते हैं, अब पता नहीं, लेकिन इतना तो मालूम है कि यहाँ पे लड़के बैठते हैं, उन लोग का जो पार्टी उर्टी जो इन्जॉयमेंट है वो लोग रात भर यहाँ चलता है ऊपर में, ऐसा है बारूगोदाम में, ये होता है, यहाँ भी होता है और ये बारूगोदाम का पीछे में भी होता है जी। ये चलते रहते हैं, चलते रहते हैं यहाँ में, एक अड्डा यहाँ पे और एक पंप हाउस। इसका ओनर का नाम क्या है? आई डोंट नो, ये मुझे नहीं, नहीं, नहीं क्योंकि यहाँ एक तेलुगु एक अंकल थे, वो बेच चुका है लगता है ये जमीन, उनका नाम वो भी नहीं मालूम, उतना तो मैं डीपली नहीं गया हूँ, उतना नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है काम लिया हो ये वो सब वो नहीं मालूम, लेकिन इतना है कि ये सब जो है स्टैंड को एकदम तोड़ चुके थे, फिर वो जब भयंकर कंप्लेंट हुआ PCR सब आए, PCR भी आए थे, PCR सब पुलिस डिपार्टमेंट पूरा सबका सब यहाँ पर मौजूद थे, और लोकल फिर भी काम चल रहा है, किसी से डर नहीं है इनको? नहीं, कहीं ना कहीं जो देना है वो देते होंगे, वो होगा शायद, यकीन आपको क्या यकीन है? जब ही तो इतना काम होता है, नहीं तो मैं तो कभी नहीं देखा कि इस तरह ड्रेन को कम्प्लीट कवर कर चुके हैं, देखिए इस तरह तो कहीं नहीं दिखा मैंने, ये 23 वार्ड में तो मैंने कहीं नहीं देखा। और ऑलरेडी जो है इसका शिकायत यहाँ के जो काउंसलर है वो खुद कर चुके हैं, और उसके बाद में जैसे सेक्रेटरी म्यूनसिपल को करने के बाद में यहाँ पे नोटिस भी चिपकाया गया, परंतु फिर भी जो है यहाँ पे हिम्मत से काम किया जा रहा है। किनका ये हिम्मत से ये तो हम नहीं बोल सकेंगे, मगर काम तो चल रहा है। लेबर को इतना सिखा के रखे कि आपसे कोई भी पूछेंगे तो ये बोलिएगा कि काम नहीं होता, मगर यहाँ के स्थानीय लोग बोल रहे हैं कि काम डेली ही चल रहा है। ये डेली काम चलता है ना भैया? डेली काम होता है, अंदर अंदर जो भी है लोग, सीमेंट बालू जो भी है ना वो अंदर काम चलता ही है, जो फिनिशिंग काम है अंदर में चलता है, बाहर में नहीं दिखाते। दारू वारू भी चलते रहते हैं? वो तो होते ही है, वो तो सारा आदमी जानते हैं, लेकिन अभी कोई दिखता नहीं जी। मैं तो सामने आ गया, मुझे तो बोलना है और मैं बोलते ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो मैं तो बोलूँगा ही बोलूँगा। और क्या क्या चलता है यहाँ में? ड्रिंक काम तो ऊपर होते ही होते हैं, यहाँ सारे लड़के लोग आते हैं। हाँ लड़के लोग आते हैं, वो तो आते ही। आप लोग बहुत जल्दी बताइए ना, ये एरिया में इल्लीगल दारू चलता है क्या? बेहिसाब चलता है। आप 8 बजे के बाद आइए पंप हाउस का पीछे, आप देखिए उधर ग्राउंड बार छोड़ के कहीं गुमटी दुकान, हाँ बस वहीं पीछे उन लोग जो बंदे लोग हैं ना, यहाँ के बंदे नहीं है, सारा अंडमान के बंदे लोग यहाँ पे रहते हैं, जो ड्रग्स बोलते हैं ना सब मालूम हो जाए, ड्रग्स कहाँ से मिलता, 30-35 बच्चा लोग यहाँ बैठते हैं, वो चीज़ को आप लोग ध्यान में रखें। एरिया मेरे ही घर के पीछे पंप हाउस के पीछे मैदान में, पंप हाउस के पीछे मैदान बस सब बैठे रहते, सब बिंदास। अभी भी शुरू हो जाएगा, अभी देखो पुलिस वाले कुछ नहीं करते, पुलिस वाले कंप्लेंट ऑलरेडी थाना में लिख चुका है, और थाना वाले बोलते हैं कि हम लोग सब मालूम है, मालूम क्या है, जब किसी का एक दो जन का जान चले जाएगा बच्चा लोग, तब आप लोग एक्शन लेंगे। और ये कौन सा थाना पड़ता है? अभी तो टेलाबाद थाना पड़ता है, पहले पाड़गांव टेलाबाद थाना। तो यहाँ पे क्या गुमटी वगैरह भी चलता है, इल्लीगल दारू वगैरह भी चलते रहते? वो तो नहीं मालूम मेरे को। हाँ तो बोले आप चलते हैं,
चलते बोले से जहाँ से लेके आते वहाँ बैठ जाते, मैदान में बैठ जाते, यहाँ बैठ जाते, अब कहाँ से लाते वो थोड़ी मालूम मेरे को। तो ये थे यहाँ के स्थानीय लोग। पहले हमने बताया था कि इस बिल्डिंग को जो है लेकर यहाँ के जो काउंसलर है उन्होंने भी जो है कंप्लेंट किए थे वार्ड नंबर 23 के, तो उनसे भी बात कर लेते हैं अभी हमारे साथ में। तो इस बिल्डिंग में क्या वायलेशन है उनसे बात करते हैं। तो मैडम ये बताइए, ये बिल्डिंग में नोटिस लगा दी है म्यूनसिपल द्वारा, तो वैसे में फिर भी इसके अंदर में आज भी काम चल रहा है, तो आपने इस पर क्या स्टेप उठाया अभी तक? जी सबसे पहले तो सभी को, आप सभी को नमस्कार। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आजकल, तो देख रहे हैं ऐसे मीडिया तो मतलब ये है, आप जितना ज़्यादा इस तरह के मैटर्स को उठाएंगे तो हमको भी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो और ये है कि इस ये मैटर को लेके हम लोगों ने आठवां मतलब 8 मंथ से हम लोग लगे हुए हैं इसमें, लेकिन अभी लास्ट मंथ जाके इसमें नोटिस लगा है। तो वो भी बहुत उनके मतलब बोलने पर उनको थोड़ा सा टाइम देंगे, ये देंगे वो देंगे बोल रहे थे, हम लोगों ने बोला नहीं करना। और अब ये पेपर का भी सपोर्ट मिला है। नाम मैडम? सेतुपति। सेतुपति करते क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट क्वारी क्रशर का शायद काम करते हैं कुछ। मैडम नोटिस तो चिपका दिए मगर आज भी उनको कहीं ना कहीं डर नहीं है, आज भी काम चल रहा है। तो यहाँ के जो लेबर थे उनसे हम बात भी किए और दिखाए भी उन्होंने कि काम आज भी हुए, तो इनको डर किसी का नहीं है। तो उसका क्या रीज़न होगा? नहीं अब ये इनका पहुँच ये कहाँ तक जा रहे वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारे तरफ से जो होगा इसको रोकने के लिए, क्योंकि पब्लिक कंप्लेंट्स हम लोग को बहुत आ रहा है और हम लोग पब्लिक के लिए खड़े हैं काम करने के लिए, तो हम लोग को तो करने हैं ये। और पब्लिक कंप्लेंट्स तो आ रहा है लेकिन आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि वायलेशन क्या है, पूरा बस स्टैंड का पूरा जगह कवर करके बनाया, तो इसके लिए हम लोग तो करना ही है। साथ ही साथ ना यहाँ पे जो लोगों ने हमें इंटरव्यू दिए बताया कि यहाँ पे काफ़ी सारे लड़के भी रहते हैं और दारू वारू पीते हैं बैठते हैं, तो ये आपके नोटिस में आया क्या? नहीं ये तो अभी तक मेरे नोटिस में नहीं आया। ये थे काउंसलर मैडम जो 23 के है राधिका जी, इनसे हमने बात की और इस बिल्डिंग के बारे में जानकारी ली। तो उनका भी साफ कहना है कि ये लीगल हो रहा है, और जैसे कि हमने आपको दिखाया कल्वर्ट बस स्टैंड के साथ में सटे हैं और बस स्टैंड को उसका जो आपका वॉल है, वॉल भी जो है बिल्डिंग का वो एकदम सटा के जो है बनाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वायलेशन है। इसी की वजह से जो है म्यूनसिपल द्वारा जो है नोटिस चिपकाया गया। उनको कोई भी किसी का डर नहीं है, किसी का फिक्र नहीं है, आज भी काम यहाँ पे रेगुलर चल रहा है। तो देखना ये होगा कि म्यूनसिपल कल इसके ऊपर में क्या कार्रवाई करती है, आने वाले दिनों में इसको इस काम को क्या रोक पाते हैं कि नहीं। धन्यवाद, हमारे साथ में बने रहिए इससे जुड़े बाकी अपडेट के लिए। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।